इंजीनियरिंग कोचिंग। आज हम क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा वह 12th क्लास के फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। ये बहुत वेटेज है और इसके कंटेंट्स बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत से मैथमेटिकल डेरिवेशन है और यहाँ पर जो हम पीछे पढ़े धारा उनके प्रभाव के बारे में हमको स्टडी करना है। तो आज का जो मेरा पहला क्लास है, आज धारा का जो फर्स्ट क्लास है, धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो पहला क्लास है वो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है। ये बेसिक क्लास है, इस क्लास के बेस पर ही आगे के जो इसके पार्ट में आप देखेंगे वो कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा। तो आज आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो हमारा चैप्टर का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले कि मैं धारा के चुंबकीय प्रभाव पर बात करूं, मैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाके कंप्लीट धारा के प्रभाव के बारे में आपसे 5 मिनट सबसे पहले डिस्कस करूंगा। तो देखिए जो विद्युत धारा या हम खाली धारा कह सकते हैं, यहां धारा का मतलब विद्युत धारा ही है, इलेक्ट्रिक करेंट। हमको बता रहे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट का दो टाइप होता है जिसको आगे चल के हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं इसी चैप्टर से दे दूं। धारा के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है प्रत्यावर्ती धारा जो हमारा आगे चल के एक बड़ा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसी। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट और शॉर्ट फॉर्म में एसी। और दूसरा है दिष्ट धारा हिंदी में डायरेक्ट करंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो धारा के ये दो प्रकार होते हैं जिसमें से आगे चल के हमको प्रत्यावर्ती धारा का डिटेल स्टडी करना है। अब ये जो धारा है ये दोनों के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, इस अगर मैं डिटेल डिस्कस आपको प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में ही करूंगा, यहां करूं तो अननेसेसरी हम दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट जाएंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में दोनों के बिहेवियर पर मैं आपको कंपैरेटिवली आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करूंगा। यहां पर मैं केवल प्रभाव समझाना चाह रहा हूं आपको। तो प्रत्यावर्ती जो धारा होता है वह विद्युत के कौन कौन से प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, यह करता है चुंबकीय प्रभाव जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है और दिष्ट धारा तीन तरह का प्रभाव प्रदर्शित करता है। सबसे पहले यह चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता ही है, चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है दिष्ट धारा। दूसरा करता है ये चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। मैं दिष्ट धारा के बारे में पहले बात करूंगा आपको, मैं सोचा था इसको मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं। तो पहला प्रभाव चुंबकीय प्रभाव हो गया, उसके बाद उष्मीय प्रभाव, मैं भी एक एक लाइन आपको समझा दूंगा क्या होता है, और तीसरा रासायनिक प्रभाव। ये तीन प्रभाव होते ही हैं, टोटल धारा के तीन प्रभाव होते ही हैं और दिष्ट धारा इन तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा है यह सिर्फ उसमें प्रभाव, मैं पहले इसको डीसी लेफ्ट साइड में लिखा हूं समझ के लिख दिया था, ये आप ध्यान रखना कि केवल यह उसमें प्रभाव ही प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, किस लिए करता है, ये इस पर बहुत लंबा डिस्कस है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा का एक सेपरेट चैप्टर है वहां पर इसके मैं कम से कम 8-10 पॉइंट पर आपसे डिस्कस करूंगा। यहां मेरा बताने का मतलब यह था कि यहां पर जब हम चुंबकीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं, ये धारा का चुंबकीय प्रभाव को ध्यान रखना दिष्ट धारा के लिए, इसलिए पूरे चैप्टर में कहीं पर भी यदि मैं धारा कहूं
इलेक्ट्रिक करंट कहूं तो अंडरस्टूड है, आप अपने आप समझ जाना कि वह क्या है, चुंबक के प्रभाव के बारे में बात कर रहा है, बाकी इस पर हम डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव। देखो ये चुंबकीय प्रभाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से फिजिक्स ने एक नया शुरुआत किया, इसलिए आज के क्लास में कंप्लीट मैं चाहता हूं कि मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, आगे आपको बहुत सा टॉपिक इसमें पढ़ना है, तो पहला क्लास है इस चैप्टर का, उसमें आपको कंप्लीट अच्छे से जानकारी होना चाहिए। हुआ क्या, सबसे पहले इस पर जो प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट है वो है ऑस्टेड। ऑस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं इसको। ऑस्टेड नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो ऑस्टेड हैं। ऑस्टेड ने क्या किया, एक्चुअल में यदि आप पूरे फिजिक्स का बहुत डिटेल स्टडी कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट आया, मैक्सिमम जो डिस्कवरी आया, इन्वेंशन हुआ, वो एक इत्तेफाक से हुआ। न्यूटन ने सेब के फल को गिरते हुए देखा और उन्हें ग्रेविटेशन बताया, ऐसा नहीं कि उस दिन पहली बार सेब का फल गिरा था, लेकिन न्यूटन ने उसको ऑब्जर्व किया। सवाल ये नहीं है कि घटनाएं हो रही हैं, सवाल ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। इसीलिए हमेशा फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए कहा जाता है कि उसको पास कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मींस करना चाहिए निरीक्षण होना चाहिए, सूक्ष्म निरीक्षण होना चाहिए, मतलब चीजों को आप हल्के ढंग से, मतलब कोई घटना आपके सामने हो रही है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहते हैं साइंस का मतलब है हाउ एंड व्हाट, क्यों और कैसे किस लिए हुआ। तो यही बात थी कि ऑस्टेड के साथ जो हुआ, क्या हुआ उनके साथ कि ऑस्टेड एक दिन अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे और वो उनके पास एक चालक तार था और उस चालक तार में वो धारा प्रवाहित कर रहे थे, वो धारा का चुंबकीय प्रभाव नहीं खोज रहे, वो कुछ और काम कर रहे थे और एक केबल में वो धारा प्रवाहित, धारा मतलब आप समझ लो कौन सी धारा, डिस्ट धारा, आप प्रत्यावर्ती धारा को भूल जाइए। तो ये जब इसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे और उस इत्तेफाक से उस चालक के पास एक चुंबकीय सुई रखा हुआ, ये चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक फील्ड आप समझ गए होंगे, ये यहां रखा, उन्होंने रखा नहीं था उसको, उनके टेबल में रखा था। अचानक ऑस्टेड ने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने अपने केबल में धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई हिलने लगा, उसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगा, तो अचानक ऑस्टेड का ध्यान उधर गया और उन्होंने प्रयोग कुछ और कर रहे थे, हुआ कुछ और। उन्होंने सोचा कि जब मैं इस केबल में, इस तार में धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो चुंबकीय सुई क्यों मिल रहा है। इस प्रकार से प्रयोग उन्होंने बार-बार करके देखा तो फाइनली उन्होंने एक कंक्लूजन, एक डिसीजन निकाला कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, दिष्ट धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके सराउंडिंग में उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जो चालक के चारों ओर उत्पन्न हो रहा है, यह है चुंबकीय क्षेत्र जो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हुआ और यही कहलाता है धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको सबसे पहले ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया और इस पर आगे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस ये डिक्लेयर कर दिया कि जब कभी किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जैसे ही ये नियम आया तो आगे के वैज्ञानिकों ने जो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड पर वर्क कर रहे थे उस पर आगे काम शुरू किया, साइंस का डेवलपमेंट होता है ऐसी है। तो जो दूसरे नंबर के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया वो है एम्पियर। एम्पियर ने किया, एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, इसको हम कहते हैं एम्पियर के तैरने का नियम। नाम से ऐसा लगता है कि एम्पियर ने तैर के देखा होगा इस नियम के लिए, तैरने का नियम, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एम्पियर ने इस नियम को समझाने के लिए एक स्विमर का, एक तैराक का हेल्प लिया, इसलिए उसको तैरने का नियम
कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कैसा है कि सपोज हमारे पास एक चालक तार है, ये चालक तार है और इस चालक तार में हम इस दिशा में मतलब नीचे से ऊपर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब एम्पियर का कहना था कि सपोज कोई तैरा, आप लोग को तैरना आता होगा तो आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं अच्छे से, ये मैं तैराक बना दिया इमेजिन करने के लिए। इस तरह से ये एक स्विमर है जो इस दिशा में तैर रहा है, इसका तैरने का दिशा ऊपर है और ये इसका मेरे अकॉर्डिंग में लिख रहा हूं तो इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका क्या है राइट हैंड है और इसका चेहरा इस दिशा में चालक तार की ओर ऐसा है। और यहां सामने में रखा हुआ है चुंबकीय सुई, ये इसमें नॉर्थ साउथ पोल है ऐसा, ये सिचुएशन है। और इसको हम किसी भी तरह से इस दिशा में तैरा लें या फिर इस दिशा में तैरा लें या फिर वापस हम इधर इधर तैरा लें जैसा भी, लेकिन उसका चेहरा होना चाहिए चालक। मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल बताऊं, अपने साथ में आपको बताऊं। तो सपोज मेरा ये जो मार्कर है ये चालक तार है और इस चालक तार में नीचे से ऊपर धारा प्रवाहित हो रहा है और मैं एक तैराक हूं, तो अपने हाथ को ऐसे फैला रहा है तैरने के लिए, हाथ दूसरे से फैला के तो चालक तार की तरफ अपना चेहरा मैं देखूं और इस तरह से हाथ को फैला के तैरूं और आगे सपोज यहां पर एक चुंबकीय सुई है, ये मेरा रेड मार्कर है, इसको चुंबकीय सुई सपोज कर लो तो मेरा चेहरा इधर होना चाहिए। तो एम्पियर का कहना था इस तरह से कोई तैराक यदि तैरे तो उस तैराक के बाएं हाथ की तरफ इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव, मान लो एक उत्तरी ध्रुव है और दाएं हाथ की तरफ उसका दक्षिण ध्रुव विक्षेपित होता है। मतलब यहां पर हम देखें तो यदि इस तरह से तैरे तो नॉर्थ साउथ में किधर विक्षेप होगा, तो इसके लेफ्ट हैंड के साथ तरफ उसका नॉर्थ पोल और राइट हैंड की तरफ उसका साउथ पोल में विक्षेप होगा। इस तरह से एम्पियर ने बताया कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा, भाई आस्पेक्ट ने तो केवल ये बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आगे कुछ नहीं बताया, लेकिन अब ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो किधर उत्तरी और किधर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न होगा, इस बात को आगे बढ़ाया एम्पियर ने। क्लियर, एम्पियर ने इस तैरने के नियम को खोला। अब मैं इस नियम को आपको टू दी पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई तैराक अपना फेस अपना चेहरा चालक तार की ओर करके तार में प्रवाहित धारा की ओर तैरे तो तैराक के बाएं हाथ की तरफ सामने रखे चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव तथा दाएं हाथ की तरफ चुंबक का दक्षिण ध्रुव विक्षेपित होता है या वो क्षेत्र बनता है। यह है एम्पियर के तैरने का नियम और इस तरह से एम्पियर ने थोड़ा इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के उन्होंने क्षेत्र के बारे में बताया। अब अगले वैज्ञानिक जो है इस क्षेत्र के वो है तीसरे नंबर के हमारे साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने जो रूल दिया वो थोड़ा आगे एडवांस दिया और इसमें हम दो रूल इसको समझ सकते हैं, हालांकि उसमें से एक रूल आगे चल के फिर हम उसको फ्लेमिंग के नियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन फ्लेमिंग के नियम को मैं स्पेशली आपको आगे पढ़ूंगा जब चैप्टर थोड़ा डेप्थ में चला जाएगा। अभी मेरा एक बेसिक नेचर है कि कोई भी नया चैप्टर जब मैं शुरू करता हूँ तो जिस तरह से उस चैप्टर का डेवलपमेंट हुआ साइंस में उस डेवलपमेंट के आर्डर पर पढ़ाता हूँ। यदि मैं बीच बीच से टॉपिक लेके पढ़ूं तो आपको प्रॉपर, वैसे पढ़ने का तरीका यही है कि आपको प्रॉपर वो साइंस का डेवलपमेंट जैसे हुआ जिस स्टेप के बाद जो आया जिस साइंटिस्ट के बाद रूल के बाद जो रूल आया वैसे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट भी उसी स्टेप में हुआ है। एक साइंटिस्ट ऐसा बताया फिर दूसरे ने ऐसा तीसरे ने ऐसा चौथे ने ऐसा और वो प्रॉपर डेवलपमेंट के बाद वो हमारे सामने आता है, तो आपको पढ़ना भी उसी स्टेप के अकॉर्डिंग तो समझ में आएगा। मैं प्रॉपर ऑर्डर बता रहा हूँ आपको, आस्ट्रेड ने क्या किया फिर एम्पियर ने क्या किया फिर मैक्सवेल ने क्या किया। तो मैक्सवेल ने जो पहला नियम इसमें दिया जिसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू, एस आप स्क्रू है यहाँ पर ना स्क्रू जिसको हम हिंदी में पेंच बोलते हैं, तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि सपोज हमारे पास ये कोई स्क्रू है
स्क्रू आप सब समझ लें, ठीक है, जिसमें थ्रेड होता है जिसको हम टाइट करते हैं, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रू, ये सपोज इसके थ्रेड है इस तरह से, ये हमारे पास सपोज एक स्क्रू है। अब हम इस स्क्रू को यदि टाइट करें, राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब क्या है, स्क्रू दो तरह के होते हैं, एक क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट होता है, एक स्क्रू को हम जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टाइट होता है, उसको हम राइट हैंडेड स्क्रू कहते हैं, और एक स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट होता है, जैसे साइकिल के फ्रेमिल में या कई ऐसे जगहों में लगा होता है जहां पर हम उल्टा घुमाए तो टाइट होता है। ये मेरा मार्कर है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मार्कर है, ये मार्कर के कैप को जब अपने को ओपन करना होता है तो इसको हमको उल्टा घुमाना होता है, टाइट करने की दिशा में घुमाएंगे तो वो लूज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू यदि हम, इन्होंने बताया कि सपोज ये जो डायरेक्शन है वो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन है, सपोज ये जो मैं आई लिखा हूं वो धारा प्रवाहित होने की दिशा है, तो स्क्रू को जो घुमाने की दिशा है ये इधर हम इसको घुमा रहे हैं राइट हैंड स्क्रू है, तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या हम उसको बल कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बल ही है, आगे हम उसको पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम मैक्सवेल के रूल में क्या बता सकते हैं, यदि किसी दक्षिणवर्ती पेज को इस प्रकार घुमाया जाए कि स्क्रू के गति की दिशा, ये स्क्रू के गति की दिशा है, स्क्रू इधर गति कर रहा है मतलब अंदर जा रहे हैं, यदि स्क्रू के गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो स्क्रू को घुमाने की जो दिशा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, क्लियर। तो यह कहलाता है मैक्सवेल का नियम, और इन्होंने भी एक रूल दिया जिसको आगे हम फ्रेमिंग के नियम के नाम से पढ़ेंगे, दोनों नाम से बुक्स में मिलता है, वो दूसरा है दाएं हाथ के पकड़ने के लिए, दाएं हाथ से पकड़ने के लिए, राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं एक्चुअल में, एक्चुअल में उस रूल को हम इंग्लिश में राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं। देखो फिजिक्स का बेसिक डेवलपमेंट इंग्लिश में हुआ है, कई स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि सर आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं, एक्चुअल में क्या है बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, पहले तो मेरे पूरे वीडियो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में आ गए, आपने देखा सब टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, मेरे कोचिंग में मैं बाइलिंगुअल दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग बैच में पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स कंबाइंड बैच में होता बैच में होता है, क्योंकि बैच में लैंग्वेज का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ में आ जाता है, तो मेरा जितना लिटरेचर है वो मैं इंग्लिश से आपको ट्रांसलेट करके पढ़ाता हूँ, मैंने हिंदी में उसकी पढ़ाई नहीं की, हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ाता हूँ, तो कई जगह मुझे थोड़ा उसके लिए सोचना पड़ जाता है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम के जितने बेस्ट राइटर हैं जैसे प्रदीप फिजिक्स है और दिनेश फिजिक्स है, एच सी वर्मा है, या फॉरेन लैंग्वेज का वैश्विक है, बहुत सारे मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, तो वहां से मैं बेस्ट कंटेंट्स है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड का हूँ तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं आती, मैं पढ़ इंग्लिश में लेता हूँ पढ़ा हिंदी में देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे इसको हम बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल, एक्चुअल में इसका नाम है राइट हैंड ग्रिप रूल, तो राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ, ग्रिप माने पकड़ना, रूल माने नहीं, तो दाएं हाथ से पकड़ने का, ठीक है। देखिए जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, सॉरी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब वो कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करते हैं आईआईटी जेईई, वैसे इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के बात पर कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज के नाम से, तो मैं अब टॉपिक पर डिस्टर्ब नहीं हूँगा, फ्यूचर में वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा आपको जिसमें पूरा क्लासिफाई करके बताऊंगा लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है आपके सक्सेस में। लेकिन एक फैक्ट तो यह है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में लिटरेचर थोड़ा कम अवेलेबल होता है, कहीं भी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बुक्स भी थोड़ा कम होता है, इस बात का दिक्कत है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको सारे कंटेंट्स अभी आपको हिंदी में कोई बता दे तो उसके बाद तो कंटेंट्स तो वही है, साइंस के कांसेप्ट तो वही है, साइंस के कांसेप्ट तो चेंज होंगे। तो देखिए दाएं हाथ से पकड़ने का नियम मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यहां पर देखिए एक छोटा सा फिगर मैं बना रहा हूं, ये सपोज हमारे पास कोई तार है, ये केबल है तार है, और इसमें धारा प्रवाहित होने की दिशा ऐसा ऊपर है, यहां पर नीचे है यहां पर ऊपर है, अब इसको हम दाहिने हाथ से पकड़ेंगे,
यहाँ पर मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि सपोज ये मेरा जो मार्कर है चालक तार है और इसको अपने दाहिने हाथ से पकड़ूं, कैसे पकड़ूं आप ध्यान देखिए, ये पकड़ा और ये उंगली को मोड़ा और अंगूठा को रखा ऊपर जैसे थम्स अप का लोगो होता है, ऐसा नहीं कि आप अंगूठा से ऐसा पकड़ लिया, ऐसा नहीं, अंगूठा को आपको ऐसा रखना। तो यहाँ पर देखिए फिगर में बता रहा हूँ, ये जो रेड इंक से मैं मार्किंग किया ये अंगूठे का डायरेक्शन है, ये सपोज कर लीजिए कि ये अंगूठा है और इसको टर्न करने का जो डायरेक्शन है, मोड़ने का जो डायरेक्शन है, जो वो क्या है, उंगलियां है, उंगलियां है, इधर उंगलियां मुड़ रही है, इधर अंगूठा है, ऐसा मैंने पकड़ा देखते हैं और इधर धारा बनने की दिशा है। अच्छा, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एम्पियर ने तैराक का उपयोग किया, मैक्सवेल ने स्क्रू का उपयोग किया पकड़ने, ऐसा क्यों समझाया। एक्चुअली ये नियम ऐसे थे कि उनको किसी न किसी प्रकार के सिचुएशन के बेस पर समझाना था, यदि इनका वो हेल्प नहीं लेते तो आपको बता नहीं पाते। और इनका एप्लीकेशन क्या है, आगे जब हम निवेदन करेंगे तो कई क्वेश्चन में पूछा रहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो हमको रोज वहां पर अप्लाई करना पड़ता है, क्लियर। तो ये रूल क्या कहेगा, यदि हम किसी चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा के बहने की दिशा को प्रदर्शित करें, तो उंगलियों के मुड़ने की जो दिशा है, उंगलियों के टर्न होने की जो दिशा है, वह बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये जो उंगलियों की दिशा है वो किसकी दिशा है, बल मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मतलब धारा की दिशा ऊपर है और बल की दिशा इस तरह से, मतलब आप इससे कंपेयर कीजिए ऊपर वाले नियम से तो जस्ट अपोजिट है। कैसे देखिए, यहां धारा नीचे तो करंट इधर, यहां धारा ऊपर तो करंट इधर, इसका जस्ट अपोजिट रूल है, क्योंकि हमको दोनों को बताना है कि क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ये जो तीन साइंटिस्ट हैं, ये तीनों ने कोई मैथमेटिकल कांसेप्ट नहीं दिया, बस चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में उनको बताया। इसके बाद इस चैप्टर के जो फोर्थ नंबर के साइंटिस्ट आगे जो इन्होंने अध्ययन के इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट का नियम जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। तो आज मैं अपने फर्स्ट वीडियो में बायो सेवर्ट के नियम तक पढ़ूंगा और उसके बाद उसके जो अनुप्रयोग हैं, जो कि बड़े बड़े डेरिवेशन हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि हम इसमें पहले तैयार हो जाए बेसिक और आपको समझ जाए। तो फोर्थ नंबर का साइंटिस्ट है क्या, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्लियर, ये बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। यदि मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो स्पेलिंग इसका थोड़ा BIOT होता है, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट का नियम एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, इसको लाप्लास के नियम के नाम से भी जाना जाता है, कभी एग्जाम में लाप्लास बोल दे तो उसको लाप्लास का नियम ही कहा जाता है। अब यहां पर देखिए बायो सेवर्ट ने क्या बताया, तीन साइंटिस्ट ने बता दिया था उसके चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, इन्होंने उसका गणितीय गणना बताया और इसी के बेस पर पूरा आगे स्टडी हुआ। इन्होंने बताया कि सपोज हमारे पास ये कोई चालक तार है, ये एक चालक तार है जिसमें प्रोड्यूस होने वाली धारा मान लो I है, और इस चालक तार से सपोज ये डी दूरी पर एक बिंदु है P, ये बिंदु P है चालक तार से कितनी दूरी पर, डी दूरी पर, और इस चालक तार में हमने एक छोटा सा एक छोटी लंबाई ले लिया डी, चालक तार की लंबाई अनंत है लेकिन हमने इसमें एक अल्पांश ले लिया, छोटा पार्ट ले लिया, और अल्पांश को जब हम इस बिंदु से मिलाया तो जो रेखा बनी उसके बीच के कोण को हम क्या ले लिए, थीटा ले लिए। डिस्टेंस फ्रॉम डी कुछ भी ले सकते, सपोज मैं इसमें आर ले लिया, क्योंकि कई राइटर लोग अपने अपने ढंग से लिखे रहते हैं, आर ले लिया सपोज में ये, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको उन्होंने लिया सपोज डीबी। डीबी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं इस छोटे पार्ट के लिए।
तो बायो सेवर्ट ने यहाँ पर चार रूल बताया, एक एक करके मैं एक रूल को लिखते जा रहा हूँ। पहला रूल उन्होंने बताया कि इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB, वह समानुपाती होगा उस पर प्रवाहित धारा के, जिसको हम पहले शब्दों में लिखेंगे फिर गणितीय रूप में लिखेंगे। मैं डॉट वहां पर लिख दिया, मतलब पहले शब्दों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके किसी अल्पांश में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उसके बाद दूसरे नियम को यहां पर लिखते हैं, तो दूसरा नियम कहलाता है dB प्रोपोर्शनल टू dA। ये पहला है और ये डाटेड के मतलब समझे आप, शब्दों में पहले लिखने और ऐसे लिखने। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार के अल्पांश के समानुपाती होता है। तीसरा रूल उन्होंने बताया dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हुआ, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या। साइन मतलब कितनी का होता है, ज्या। साइन माने ज्या, तो ज्या पे क्या होता है, समानुपाती होता है। और चौथा उन्होंने बताया कि dB प्रोपोर्शनल टू 1/r2, मतलब अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तीनों के समानुपाती होता है और चौथे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश में अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश तथा उस बिंदु को मिलाने पर बने कोण के ज्या के समानुपाती तथा बिंदु से अल्पांश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इन तीनों को मिला दें, यदि हम आपस में तीनों को मिला दें, इसलिए एक दो तथा तीन से, यदि तीनों को तीन तथा चार है ना, सॉरी चार बोले यहां पर 1, 2, 3 and 4 इनको मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा, dB proportional to I dA sin theta upon r square। dB proportional to I dA sin theta upon r square। That implies आगे इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा dB equal, यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक का गुणा करना पड़ता है जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आगे इसको हम अभी सेपरेट मैग्नेट का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण होता है, जहां पर म्यू नॉट क्या होता है, वायु या निवात के लिए उसकी चुंबक क्षमता होती है, और आई डी ए साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कहलाता है बायो सेवर्ट का नियम। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखना कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10^-7। ये स्थानिक मान है, क्योंकि कहीं पर भी हम जब निकलकर बनाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के मान को कितना रखेंगे, 10^√3। तो ये कहलाता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है बायो सेवर्ट का नियम और अभी हमारा पूरा चैप्टर इसी नियम पर चलेगा। ऐसा कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकता जिसमें बायो सेवर्ट के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको न पूछे। अब कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट, आज मैं इसको इसलिए यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पहले वीडियो से पहले बेसिक बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए। इसका जो सेकंड पार्ट आप देखेंगे उसमें हम बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये जो बायो सेवर्ट ने नियम दिया उसके क्या क्या एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन 101% आपके एग्जाम में आना है। क्लियर? तो आपको बायो सेवर्ट का नियम तैयार रहेगा तभी आप एप्लीकेशन को समझ पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर अपना क्लास क्लोज करता हूँ और बायो सेवर्ट के नियम को तैयार करके आप मेरे अगले क्लास में प्रेजेंट हुई, मेरे अगले वीडियो को आप समझिए। ओके, थैंक यू।